अक्सर दोस्तों हम में से कई लोग शेयर मार्केट में नए होते हैं और एक बहुत बड़े स्कैम में जाकर कहीं ना कहीं फंसते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे तो हम तो बहुत सावधानी से शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, लेकिन नहीं, इंडिया में हर एक नया इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और कुछ ऐसी घटिया कंपनी में शेयर मार्केट में पैसा लगाता है जिन वजह से वो अपना पैसा पूरी तरीके से गंवा देता है। कहीं से उधार लेके लोग पैसा डालते हैं और उसके बाद शेयर मार्केट में डाल के सोचते हैं कि मैं इस पैसे को काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही शेयर मार्केट के बारे में जो स्कैम चल रहा है उसको एक्सपोज करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं बिल्कुल मेरी तरह तो आप इस तरीके के फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसे। हालांकि मैं शेयर मार्केट में काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी शेयर मार्केट को अच्छी तरीके से नहीं समझने की कोशिश की। मैंने सोचा कि जितना मेरा काम होता है किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीद लो और उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रख लो, ये चीज मैं फॉलो करता हूं। लेकिन हाल अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा क्या फ्रॉड है, किस तरीके से होता है। मुझे तो वैसे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर कोई शेयर मार्केट के बारे में एक्सपर्ट है और वो मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करके एक हम ठीक है साथ में वीडियो बना के डाल सकते हैं लोगों के बारे में। मुझे ये बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है, लेकिन हो सकता है कोई जो एक्सपर्ट हो उनको ना लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो नए लोग हैं उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड आज कल आम बात हो गई है, इस तरीके का फ्रॉड होता है। अब फ्रॉड क्या है मैं आपको बता देता हूं। अक्सर दोस्तों मैं शेयर मार्केट में पैसा जब इन्वेस्ट करता हूं तो मैं उससे पहले यूट्यूब पर जाकर कुछ वीडियो जरूर देखता हूं। और मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस देख रहा था अडानी पावर की, दोस्तों मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था और उसके शेयर मार्केट को थोड़ा रिसर्च कर रहा था। तभी दोस्तों मेरे सामने एक नीचे उसके ठीक वीडियो के नीचे एक एडवर्टाइजमेंट में एक मुझे वीडियो दिखाई देता है, एड चले जाती है उस वीडियो के ऊपर। हालांकि वो वीडियो ठीक है नीचे सजेशन में यूट्यूब नहीं दिखा रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सजेशन में नीचे दिखाई दे रहा है और उस वीडियो के थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ₹19 का ये शेयर है, शेयर की एक साल में कीमत ₹450 हो जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट है, चलो क्लिक करके देखते हैं कौन सा शेयर है। मैंने जैसे ही उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया तो मुझे पता चलता है कि वहां पे एक शेयर के बारे में बताया जाता है कि ये शेयर है ₹19 में, अभी इसकी करंट प्राइस है वो चल रही है और ये शेयर आने वाले टाइम में इतना इतना बढ़ने वाला है। मैं सोचता हूँ यार ये तो अच्छी बात है, शेयर की प्राइस भी कम है, ज्यादा शेयर बाय कर लेते हैं और हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाए। और जो वो बताता है कि इसका उसके साथ टाइप हुआ है, डैडी अंबानी के साथ टाइप हुआ है और ये शेयर इतना चलने वाला है, न्यूज में काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसने कोर्ट से केस थे वो सारे जीत लिए हैं और अब ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, बहुत ज्यादा प्रलोभन देगी, इस तरीके से एक शेयर की ठीक है प्रमोशन किया जाता है वहां पे। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहीं पर एक गेम होता है। क्या गेम होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, ₹19 का जो शेयर होता है उसको कुछ लोग ठीक है क्या करते हैं कि लाखों की क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, लाखों की संख्या में उस शेयर को बाय कर लेते हैं उसी दिन और उसके बाद उस शेयर की एडवर्टाइजमेंट चली जाती है अलग अलग यूट्यूब चैनल बनाकर, वीडियो डाले जाते हैं और उनकी एडवर्टाइजमेंट लाखों रुपए खर्च करके उनकी एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर चली जाती है। उसके बाद हम जैसे लोगों के सामने उस टाइप की एडवर्टाइजमेंट आती है और हम सोचते हैं कि चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और हमें तो पता नहीं होता कि लाखों की क्वांटिटी में पहले ये शेयर बाय कर चुके हैं कुछ लोग, हम पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और जब मिलियन में उस वीडियोस पे ट्रैफिक लाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तब दोस्तों वो शेयर में लाखों लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और हम जैसे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। मैंने इन्वेस्ट किया, इस तरीके से लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया तो उस शेयर की कीमत धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ऊपर जाती है और जब ऊपर जाती है काफी ऊपर जाती है तब हम सोचते हैं कि चलो अभी भी ये प्रॉफिट दे रहा है और ऊपर जाएगा और हम उस पैसे को होल्ड करके रखते हैं। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, जो लाखों की क्वांटिटी में शेयर बाय कर चुका होता है वो बंदा सारा का सारा अपना पैसा बाहर निकाल लेता है। अगर वो बंदा ₹18 के हिसाब से भी अगर ठीक है शेयर को बाय करता है, 1 लाख शेयर बाय करता है तो ₹18 लाख होते हैं, ₹18 लाख इन्वेस्ट करता है और जब उस शेयर की कीमत ₹25 के आसपास जाती है तब वो बंदा क्या करता है, उस अपने लाखों जो शेयर डाले होते हैं उनको सभी को एक साथ बाहर निकालता है। एक साथ बाहर मतलब ₹18 में वो शेयर बाय करता है, ₹25 जब उसकी कीमत जाती है तो वो ₹25 के हिसाब से एक शेयर को बाय सेल करता है ठीक है और लाखों सेल इस तरीके से वो जितना खरीदता है वो सेल कर देता है। तो ₹18 लाख में जो शेयर उसने बाय किए थे अब वो उसकी कीमत ₹25 लाख हो चुकी है और उसके बाद वो उन सारे शेयर को बाहर निकाल देता है और उनके शेयर बाहर भी निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग शेयर उसको उस टाइम खरीद रहे होते हैं तो उनको प्रॉफिट उनको मिल जाता है और वो शेयर बाहर निकाल के निकल जाता है। अब देखो उसको ₹8 लाख का फायदा सीधा सीधा हो जाता है और वो निकलता है, जैसे ही वो इतनी क्वांटिटी में शेयर बाहर निकलता है शेयर की कीमत वापस नीचे गिरना स्टार्ट होती है। अब हम जैसे लोग सोचते हैं यार अब हम इस शेयर की कीमत तो नीचे आ रही है हम भी पैसा बाहर निकाल लें,
तो हम निकालना चाहते तो वो शेयर बाहर नहीं निकलता, ठीक है, हमारा शेयर सेल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शेयर की जितनी सेल होने की कैपेसिटी थी वो तो पहले ही उसने 1 लाख शेयर निकाल के ले लिए। अब शेयर सेल हो नहीं सकता क्योंकि कंपनी ने उन शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। अब इस तरीके से दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये स्कैम होता है, और हम जैसे लोग पैसा डाल देते हैं उसके बाद शेयर की कीमत लगातार गिरती है और हमारा पैसा लॉस में चला जाता है। वैसे मैं तो गया, ठीक है, चलो इस तरीके के स्कैम में मैं फंस चुका हूँ, और मेरा जो पैसा था मैंने जितना डाला मैं भूल सकता हूँ उस पैसे को। हालांकि आप इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट वाली जितनी भी वीडियोज होती है जिसमें बताया जाता है कि ये शेयर इतना जाएगा उतना जाएगा, इस टाइप से वीडियो बनाई जाती है, उस वीडियो में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करते हैं और शेयर बाय करवाते हैं और उसके बाद खुद जितना पैसा डालते हैं वो बाहर निकाल लेते और उस तरीके से फ्रॉड होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, उस चैनल का वीडियो भी दिखा देता हूँ जिस चैनल पे ये सारी चीजें हुई है, स्क्रीन पास में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। मनी वाइज नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 2 वीडियो डाली गई है, 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और सिर्फ 2 वीडियो में दोस्तों उन्होंने इस तरीके के शेयर को प्रमोट किया है। मैंने उस शेयर में पैसा डाला था, ठीक है, लगभग 23 रुपए के आसपास डाला था और उसके बाद वो 25 रुपए पे गया, मैंने सोचा और जाएगा लेकिन उसके बाद से वो लगातार नीचे गिर रहा है और उस शेयर की दोस्तों अब मैं उस शेयर को सेल भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो शेयर मेरे होल्ड में पड़ा हुआ है, उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों काफी सारे लोग लगाते हैं, और आज सुबह जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, तब दोस्तों मैंने देखा कि एक और वीडियो उसी चैनल पे अपलोड हो चुका है जो 3रा वीडियो इस चैनल का है, और उसमें दोस्तों किसी और साधना नाम के एक सेल को, ठीक है, शेयर को टारगेट किया जा रहा है और उसको अब वो 18-19 रुपए में सेल कर रहे हैं और उसके बाद उसको भी ऊपर ले जाने के बाद वो तो निकल जाएंगे लेकिन हमारा पैसा वहां पे फंसा देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है, तो दोस्तों इस तरीके के स्कैम में आप बिल्कुल भी ना फंसे। जो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी भी कंपनी का बड़े शेयर की कुछ बता रहे हैं तो समझ लीजिए वो स्कैम है, ठीक है, और ये शेयर मार्केट में हो रहा है। अगर आप इस टाइप से देख के अगर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ऐसे किसी भी तरीके के शेयर में पैसा ना लगाए। आप किसी भी अच्छी कंपनी को पकड़िए, टाटा पावर, अडानी पावर है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें पैसा लगे जो ट्रस्टेड है उसमें लगाइए और खुद का भी रिसर्च कीजिए। मैं नहीं किसी भी शेयर को सजेस्ट करता हूं आपको, लेकिन खुद की तरफ से रिसर्च करके आप पैसा लगाइए, अच्छा रिटर्न आप ले सकते हो आपके दिमाग से। लेकिन इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट में 19 रुपए का शेयर है, 100 रुपए जाएगा, 500 रुपए जाएगा, इस टाइप की जहां से मैं बिल्कुल ना फंसे, ठीक है। ये चीजें मैंने गलती की है, मैंने सोचा आपको भी बताऊं, और इस टाइप की चीजें मैंने पहले भी देखी है, कई सारे लोग इस टाइप के झांसे में फंसते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरीके के झांसे में फंस के पैसा कमाया है तो कमेंट करके मुझे नीचे बताना कि आप कितना लॉस गए इस टाइप की, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देख देख के, तो वो भी कमेंट करके बताना। मिलेंगे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग एक्सपोज वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।